आपके निर्णय आज भी पूरे देश में गूंजते हैं। स्मृति ईरानी जी बुलाती थी इनको, इनको राय लेने के लिए माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी बुलाती थी और पूरे देश के मंत्रियों का समूह बनाया, उसका चेयरमैन माननीय हमारे स्पीकर साहब को बनाया था। एक ये शिक्षा मंत्री, एक ये शिक्षा मंत्री, एक ये आप समय पे छह मिनट बाकी हैं। पूर्व मुख्य शिक्षा मंत्री ने कितने पैसे खाए? अरे अरे गोविंद सिंह डोडासरा जी ने कितने पैसे खाए? ये गालो जी पूछ रहे थे, वहाँ गालो जी पूछ रहे थे, डोडासरा जी ने शिक्षा मंत्री रहते हैं कितने खाए? आपके लोग ही पूरे खड़े हो रहे, बोल रहे हैं। आप एक ही मत खड़े रहो, मैं अकेला सक्षम हूँ। मैं अगर गलत बोलूं माननीय स्पीकर साहब तो आप तुरंत उसको एक्सपेंस कर दें, लेकिन ये जो मेंढक की तरह उछल रहे हो ना, ये तुम्हारे ही घाटे का सौदा है, मेरे नहीं है। तुम्हारे को मंत्री मिलता नहीं, मंत्री से मुख्यमंत्री नहीं मिलता, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं मिलता, क्या बात कर रहे हो आप? चलो तो अब ये बाग में अधूरा छोड़कर भागे थे। चिरंजीवी योजना का क्या होगा इन्होंने बताया नहीं, पांच मिनट चिरंजीवी योजना का क्या हुआ बताया नहीं, बाकी है जो बोलना। मेडिकल कॉलेजों का काम जो पैसे हमने दिए थे वो रुक गए, ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं, एक मिनट, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं, और हमने 10-10 करोड़ रुपए दिए थे। माने बैठिए, अरे भाई 5 मिनट इनको दिए, अब बैठिए। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं, अच्छा साहब पूरा करिए, ग्रीन फील्ड कर रहा हूं ना, तो 5 मिनट बाकी है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बनाएंगे, हमने 10 करोड़ की सड़कें दी थी, आप तो 5 में ही निपट गए, क्या बात कर रहे हो? ये जो बजट है ना साहब, खाटू श्याम जी मेरे जिले में है, 100 करोड़ देने की घोषणा की है, काम पहले से चल रहा है, 32 करोड़ रुपए हमने पहले ही दे दिए। गोविंद देव जी के मंदिर में हमारी सरकार ने 100 करोड़ दिए, ये दोबारा उसमें लेकर के आ गए। पंचायती राज के, नगर निकाय के चुनाव एक साथ, वन स्टेट वन इलेक्शन। भरतपुर के जिला प्रमुख के चुनाव तो नहीं करा पाए आज तक, मुख्यमंत्री बादरा में क्या किया आपने, क्या तमाशा लगा रखा है? 12-13-14 जगह पर उपचुनाव है, उपचुनाव रोक दिए, और आज और बताइए, ये जनप्रतिनिधियों की खिल्ली उड़ाती है ये सरकार। माननीय सभापति स्पीकर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, उप जिला प्रमुख मौजूद, जिला प्रमुख एमएलए बन गया और जिला कलेक्टर उसका चार्ज लिए बैठा है, ये काय के पंचायती राज के चुनाव कराएंगे? आप भट्टा बैठा होगे इन जनप्रतिनिधियों का, नगर निकाय और पंचायती राज का भट्टा बैठा होगे। ये मोदी जी की लाइनें लिखना बंद करो, आपसे आपके बस में ही नहीं है कि पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव आप करवा दो। आप एक भादरा का चुनाव नहीं करा सके, एसडीएम को छुट्टी भेजना पड़ा क्योंकि वहां पर आप हार रहे थे, भरतपुर में आप हार रहे हो, आगरा में हार क्या रहे थे आप, हारने वाली बात कैसे कह सकते हो? राजीव गांधी स्कॉलरशिप है आगरा में, राजीव गांधी स्कॉलरशिप के लिए मैं कहना चाहूंगा, विदेश में हमारे बच्चे, प्रदेश के गरीब के बच्चे पढ़ने जा रहे थे, मंत्री जी ने एक जवाब दिया था, मुझे उस दिन अफसोस हुआ कि थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं कि नहीं। ये कहना कि 8 लाख बच्चों के बराबर का बजट है, भाई साहब मार्च के अंदर, फरवरी और मार्च में विदेशों के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, आपने आज तक आवेदन ही नहीं लिए। हम मार्च से पहले आवेदन ले लेते थे, उसके बाद में जिसका सिलेक्शन हो जाता उसको पैसे मिल जाते तो वो चला जाता था। आज सारे के सारे बच्चे या तो घर से पैसे दे के जा रहे हैं, वरना उनका एक साल बर्बाद कर दिया, आपने नाम चेंज कर देते लेकिन आज तक फार्म नहीं ले पाए। इससे ज्यादा और क्या करोगे आप? आप तुलना कर रहे हो, आप तुलना कर रहे हो, विदेश में हमारा गरीब का बेटा नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर रहे हो, तमाशा लगा रखा है, 7.5 लाख बच्चे हैं गरीब के। मैं दावे के साथ कहता हूं, जान चली जाए इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद नहीं करने देंगे, क्या बात कर रहे हो आप? मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा था सर, मोदी जी ने कहा था कोई भी जनहित की योजना बंद नहीं होगी। एक बात, किसी भी योजना के ऊपर उन्होंने बजटरी कोई बात नहीं की है, एक बात। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था कि मेरी गारंटी है कि हरियाणा और राजस्थान का दिसंबर के अंदर सरकार बनते ही पेट्रोल का भाव बराबर कर दूंगा।
आज भी 10 रुपए का अंतर है। मोदी जी ने कहा था कि ईआरसीपी में लागू कर दूंगा, इस बजट में लेकर के आए हैं। आप देखना, जो सीकर शेखावाटी के लिए जो पानी की योजना है उसका बजट में नाम पड़ा है इंदिरा गांधी योजना। अगर ये हमारी योजना नहीं होती, हमने वित्तीय स्वीकृति 7000 समथिंग की कर दी थी, नहीं होती तो ये दीनदयाल उपाध्याय योजना होती? ये इंदिरा गांधी के नाम से योजना नहीं आप बजट के अंदर पढ़ते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ईआरसीपी के अंदर 10,000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति करके हमने टेंडर करके काम चालू कर दिया, आपके मुख्यमंत्री जाकर के अवलोकन करके आए और इस बजट के अंदर ठोक दिया ठगाटक, क्योंकि टाइप करने वाले वही थे, इनको तो समझ में ही नहीं आया। तो इनके तो फोटो का चक्कर था कि वित्त मंत्री जी की फोटो अधिकारियों के साथ आनी चाहिए या मुख्यमंत्री के साथ में आनी चाहिए। अरे फोटो तो सबकी ले लो, एक साथ ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बजट एक बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है सर। इस तरीके से केवल फोटो के लिए, एक मैसेज देने के लिए आपस में नोरा कुश्ती, ये ठीक नहीं रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट में मेरी बात एंड करूँगा सर, क्योंकि आप मुझे समय कम देंगे, मुझे पता है ये सबकी भावना इनकी यही है। एक मुख्यमंत्री जी ने लास्ट में जब पहले सत्र था उसमें एक बात मेरी ओर इंगित करके गई थी, चाहे नाम नहीं लिया हो, मैं उसका जवाब आज देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि डोटासरा जी कौन सी चक्की के आटा बच्चे खाते हैं कि वो बराबर नंबर इंटरव्यू में हो जाते हैं। मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूं, क्योंकि उस दिन मेरा मौका नहीं था, उनका ही मौका था, अब वो जवाब देंगे कि नहीं देंगे वो जाने। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप ही बता दीजिए कि आपने किस किस को कौन कौन सी चक्की का आटा खिलाया कि दिल्ली से पर्ची आपकी आई, ये बता दो। किस किस को कौन कौन सी चक्की का आटा खिलाया कि पहली बार के एमएलए की पर्ची आई और आपने एक भी, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर कार्यकर्ता की पहचान होती है, आपके तो विभाग वो बीच में छीन लिया जाता है। लास्ट ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता की कदर होती है। कविता पढ़ के, एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। एक कविता है सर मैंने बनाई, बोलते रहो एक मिनट। अरे आप एक मिनट बोल लो, बैठी तुक नहीं बैठी कोई, तुक नहीं बैठी, एक मिनट की कविता है। नाकाम दावे लगातार, जनता करे हाहाकार, सिर्फ झूठ का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अपराध हुआ सीमा पार, बच्चियों से बलात्कार, बढ़ता महिलाओं पर अत्याचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नौकरी की आस में युवा लाचार, भत्ते को तरसे बेरोजगार, कांग्रेस की भर्तियों पर वाई वाई लूट का प्रचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। बिना एमएसपी किसान लाचार, टैक्स के कर्ज से हुआ बेजार, हम हर ओर बिजली पानी का इंतजार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मिली महंगाई अब की बार, हुई कीमतें पहुंच के बार, आम आदमी पर बढ़ता भार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। 25 लाख के इलाज की पुकार, बिना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमार, अस्पतालों में गंदगी अपार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मोदी मित्रों को दे व्यापार, भ्रष्टाचार पर करे करार, पेट्रोल डीजल से लूट का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नफरत को बनाया हथियार, मंत्री करे दुष्प्रचार, बालाजी से पानी की गुहार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। कुर्सी को लेकर बड़ी तकरार, इस्तीफों का नाटक बार बार, न जनता से कोई सरोकार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अफसरों के लगे दरबार, जनता के नुमाइंदे लगाए कतार, गुजरात मॉडल ने किया शर्मसार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। न कल्याण का कोई विचार, न मर्यादा न संस्कार, भाषा में छिटरता संस्कार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। प्रोपेगेंडा को बनाए हथियार, झूठ और जुमलों की भरमार, बन गया सर्कस बनाई थी सरकार। अरे ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने बच्चों का बेड़ा गर्क करने का ठेका छोड़ दिया है, शर्मा। ऐसी निकम्मी सरकार, ये जो पर्ची सरकार है ना, माने ये पर्ची सरकार है ना, आप में से पांच भी दोबारा नहीं। अब अंकित सिंह बैठिए, बोलो शुरू कर दो मान्य। अरे हो गया आपका, आप बैठ जाओ, हो गया। अरे 32 मिनट हो गए 30 की जगह, अरे बैठिए बैठिए, आप हो गया अब आगे सावधान मान्य। दो आपके 5 मिनट दे दिए, 2 की जगह सावधान। कविता हो गई,
आप कर, अब अंकित नहीं, अब अंकित नहीं, अब अंकित नहीं, अब अंकित नहीं होगा।